नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इस्लामिक इन्फो के मोजिज़ नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको ख्वाब में मेहंदी देखने से मुतल्लिक मुकम्मल और जामिया ताबीर शेयर करेंगे। ख्वाब में मेहंदी देखने वाली अगर औरत है तो इस खुशी मिलने और ख्वाहिशात के बढ़ने की दलील है। अगर ख्वाब में मेहंदी देखने वाली कंवारी लड़की है तो शादी होने और शादीशुदा है तो किसी नेमत या खुशी के मिलने की दलील, यानी कोई बहुत बड़ी नेमत, खुशी और मसर्रत उसके हाथ आने वाली है। ये एक अच्छा ख्वाब है। अगर ख्वाब में मर्द अपने हाथों पर मेहंदी लगी देखे तो ये गम या वक्ती दुख, परेशानी या किसी दोस्त के बेनकाब होने या परेशानी आने की दलील है। अगर मेहंदी मर्द अपने हाथों में देखे तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि उसके काम में रुकावट आएगी, यानी जो भी वो कोई काम कर रहा है तो उसके काम में रुकावट आएगी। अगर मेहंदी औरत अपने हाथों में देखे, अगर कंवारी है तो किसी से की मोहब्बत मिलने की दलील है। अगर मोहब्बत या फिर मोहब्बत करने वाला उसकी ज़िंदगी में आने की तरफ इशारा है। अगर मेहंदी मर्द अपने हाथों में देखे तो सफ़र या किसी काम में रुकावट की दलील है, लेकिन मेहंदी औरत के पाँव में देखे तो वक्ती दुख की तरफ मिलने का इशारा है। यानी ख्वाब में मर्द या औरत जो भी दुख अपने पाँव पे मेहंदी देखे तो ये वक्ती तौर पर दुख मिलने का इशारा है। अगर साहिब ख्वाब ख्वाब मर्द है या औरत, बेशक मर्द है या औरत है, दोनों का पाँव में मेहंदी देखना अच्छी ताबीर नहीं लिया जाता, ये वक्ती तौर पर परेशानी की बात है। और ख्वाब में सर पर मेहंदी लगा देखना, ख्वा साहिब ख्वाब मर्द हो या औरत हो, अगर सर पर मेहंदी लगे देखे वो किसी भी किसी में हो, मर्द के या औरत के, तो गम और दुख से परेशानी की तरह से निजात की तरफ इशारा है। एक अच्छा ख्वाब है। अल्लाह तबारक ताला आपका हामी नासिर हो। आमीन या रब।